नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत को लेकर के छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दो चीज़ को लेकर बहस हो रही है, एक नेपोटिज्म को लेकर के और दूसरी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, लिहाजा सीबीआई जांच हो, उनको न्याय मिले। इसी बीच में सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ और पूरा महेश भट्ट परिवार आ गया निशाने पर। सोशल मीडिया पर लोगों ने जम करके ट्रोल किया आलिया भट्ट को, महेश भट्ट को, मुकेश भट्ट को। और अब जो है बारी है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की। एक दिन पहले नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज हुई थी, धर्मा प्रोडक्शन ने इसे रिलीज किया है, करण जौहर इसके हेड हैं और सवाल उठाए हैं ट्रोलर्स ने, नहीं एयरफोर्स ने। एयरफोर्स ने फिल्म सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखी है कि फिल्म में जिस तरीके से एयरफोर्स को दिखाया गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव करता है वो ठीक नहीं है। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर संग्राम मच गया और करण जौहर को लोग ट्रोल करने लगे। गुंजन सक्सेना को एयरफोर्स की तरफ से जैसे ही लताड़ा गया वैसे ही लोग कहने लगे कि इस फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि इसे अधर्म करार दिया जाए, क्योंकि वो लिखते हैं कि बेशक इनके प्रोडक्शन का नाम प्रोडक्शन हाउस का धर्मा प्रोडक्शन है, लेकिन ये अधर्म का काम करते हैं, इनकी नीति ही है अधर्म फैलाओ। एकता कपूर और करण जौहर दोनों का बैकआउट होना चाहिए, दोनों पे लोग निशाना साध रहे हैं। दोनों ही भारतीय सेना के खिलाफ हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वे इस फिल्म को देखने के बजाय गुंजन सक्सेना की किताब पढ़ लेंगे। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, जिस तरीके से गुंजन सक्सेना के रूप में जाह्नवी कपूर ने सैल्यूट किया है उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो लोग फिल्म बनाते हैं वो इतनी भी मेहनत नहीं करते हैं, इतना भी रिसर्च नहीं करते हैं कि एयरफोर्स के लोग कैसे सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करने के तरीके को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और करण जौहर तो पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुकेश भट्ट, महेश भट्ट जो लोगों के निशाने पे है कि ये नेपोटिज्म के जो हैं यही फैलाते हैं और यही अपना एक छत्र राज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाहर से या छोटे शहरों से जो लड़के लड़कियां जाती हैं बॉलीवुड में उनको सफलता नहीं मिलती या उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो अब गुंजन सक्सेना भी ट्रोलर्स के निशाने पे आ गई। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, रिव्यूज भी इसके अच्छे थे, लेकिन अब जैसे एयरफोर्स ने सवाल उठाया उसके बाद विवाद बढ़ गया है। अब देखते हैं एक सेंसर बोर्ड कैसे इसको इसका जवाब देता है और क्या करता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और